वेलकम टू माई चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई जस्ट होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं एक बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ। हाँ जी, मुझे मेरे दो चार प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं साड़ी में ग्लव्स और दुपट्टे से अपने फेस को कवर कैसे करूं, यानी कि उन लोगों को हेल्प चाहिए थी कि अगर वो लोग साड़ी पहनते हैं तो कैसे वो लोग ग्लव्स पहन के और दुपट्टे से अपने फेस को कवर कर सकते हैं, जिससे कि उन लोगों की स्किन जो है वो खराब ना हो, यानी कि अगर वो लोग बाहर जाते हैं धूप में जाते हैं तो स्किन उनकी टैनिंग ना हो। साथ ही साथ जो ये कोरोना वायरस जो इतना फैल चुका है भारत में, उससे भी बचने के लिए जो ये दुपट्टे से हम अपने फेस को कवर करेंगे वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे आप लोग खुद को सेफ रख सकते हैं, अपनी सेफ्टी खुद कर सकते हैं और किस तरीके से आप लोग ग्लव्स पहन के अब दुपट्टे से अपने फेस को अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले गाइस, मैंने यहाँ पे ले लिए दो ग्लव्स। ये वही ग्लव्स हैं जिसकी मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, मेरे पास यही ग्लव्स हैं तो इन्हीं को पहनूंगी। तो सबसे पहले मैं इन्हें पहन लेती हूँ, उसके बाद अपने दुपट्टे से अपने फेस को अच्छे से कवर करना आप लोगों को सिखाऊंगी। सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हम लोग अपने फेस को ही, मतलब समर का सीजन में काफी सारे लोग बाहर तो निकलते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि हर कोई घर में ही बैठा रहता है, तो काफी सारे लोग बाहर भी निकलते हैं। तो ऐसे में कई लोग सोचते हैं कि हम अपने फेस को ही कवर करें तो हमारा फेस काला नहीं पड़ेगा, टैनिंग नहीं होगी हमारे फेस पे। लेकिन गाइस, मेरा मानना तो ये है कि जितनी हमारी फेस की इम्पोर्टेंस हमारे लिए है, उतना ही हमारे हैंड की इम्पोर्टेंस भी हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर हमारे हैंड काले पड़ जाएंगे और हमारा फेस इतना खूबसूरत रहेगा तो वो थोड़ा गलत लगेगा। तो इसी वजह से अगर आप लोग भी बाहर जाते हैं धूप में निकलते हैं समर के सीजन में, तो आप लोग भी इस तरीके से अपने फेस को कवर कर सकते हैं, हाथों को ग्लव्स से इसे कवर कर सकते हैं। तो चलिए, ग्लव्स मैंने पहन लिए हैं, अब मैं दुपट्टे से अपने फेस को कवर करने वाली हूँ। तो सो गाइस, यहाँ भी मैंने ये इस कलर का दुपट्टा लिया हुआ है, तो ये मेरा दुपट्टा है। तो इससे मैं आप लोग को तीन चार ट्रिक दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप लोग अपने फेस को कवर कर सकते हैं। सबसे पहले ट्रिक में आप लोगों ने इसे अपने सिर पे ऐसे रखना है, देख सकते हैं आप लोग, और यहाँ हमने दोनों बराबर पोर्शन रखना है, ऐसा नहीं एक छोटा एक बड़ा करना है, इसे यहाँ ऐसे रखना है। और जो इसका ये बॉर्डर है, इसको हमने टाइट अपने माथे पे यूं टाइट करके और अपने कानों के पीछे से लेके टाइट कर देना है, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद गाइस, हमने जो ये हमारा दुपट्टा का लास्ट कॉर्नर है इसको पकड़ना है और यूं अपने नोज के ऊपर से, मतलब अपने आई है हमने ओपन रखनी है, बाकी हमने सारा बंद कर देना है दुपट्टे से। तो कुछ इस तरीके से लेके, और ये देखिए यहाँ से हम इसे थोड़ा सा टाइट करेंगे, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा हम इसे टाइट करेंगे और यहाँ पे इसे पीछे टक कर लेंगे, ठीक है? तो अगर आप लोगों को अनकंफर्टेबल लगे, ऐसा लगे कि आंखों पे, थोड़ा सा आप इसे नीचे भी कर सकते हैं। तो ये फ्रंट लेयर जो इस दुपट्टे की थी वो मैंने करी, और जो दूसरा साइड है उसका भी हमने लास्ट कॉर्नर पकड़ना है, ये वाला कॉर्नर पकड़ना है और कुछ इस तरीके से इसको भी हमने डबल शेप में कर देना है, इसे भी हमने ऐसे ही टक कर देना है। सो देखिए आप लोग, अगर साड़ी में आप लोग इस तरीके से अपने फेस को कवर करेंगे ग्लव्स के साथ, तो बहुत ज्यादा अच्छे लगोगे आप लोग। साथ ही साथ आप लोग अपनी स्किन को भी अच्छी रख पाएंगे, अपने हैंड्स को अच्छे रख पाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा लुक आएगा अगर हम साड़ी में इस तरीके से दुपट्टे को वेयर करेंगे। सो फर्स्ट तो था मेरा ये। तो गाइस, अब मैं आपको दूसरी ट्रिक बताने वाली हूँ। तो दूसरी ट्रिक के लिए आप लोगों ने दुपट्टे को, ये वाला कॉर्नर आपने दुपट्टे का लेना है, ये देखिए, और इसे हल्का सा ही आप लोगों ने छोड़ना है, बस इतना ही छोड़ना है और इस साइड का लंबा रखना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से इसे फिर अपने माथे पे अच्छे से टक कर लेना है, ठीक है? और फिर आपने इस दुपट्टे का जो ये वाला पोर्शन है, इसे अपने यहाँ अपने चिन से लेके यूं करके टाइट करके पीछे अपने कानों के पीछे से यूं लेके आना है, ठीक है? कुछ इस तरीके से आप लोगों ने लेके आना है, ये देखिए, इसे भी आपने यहाँ पे अच्छे से टक कर लेना है कुछ कानों के पीछे, फिर यूं डाल के, और फिर आप लोगों ने इसको यहाँ पे अच्छे से कवर कर लेना है अपने ये कानों के नीचे। बाकी जो ये बचा हुआ पोर्शन है, इससे हम अपने फेस को कवर करेंगे। तो इतना पोर्शन बचा हुआ है तो इससे हम अपने फेस को कवर करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने इसे फिर कॉर्नर का हिस्सा पकड़ना है इसका, और इस तरीके से करके फिर इसे यहाँ पे अच्छे से टक कर लेना है। तो देख सकते हैं गाइस आप लोग, और जो जो इस साइड वाला हिस्सा था इसे भी हमने अच्छे से
पकड़ के, यूं पकड़ के इसका कॉर्नर पकड़ना है हमने, ये वाला कॉर्नर पकड़ना है इसका भी, और इस कॉर्नर को हमने यूं करके फिर इसी के ऊपर हमने दूसरी लेयर में इसे लगाना है और फिर इसको भी अच्छे से टक कर देना है। सो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से अपने फेस पे टक कर लिया है और ये अच्छे से मेरा फेस कवर हो चुका है। ये देखिए आप लोग, बिल्कुल भी जो हमारा दुपट्टा है वो बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है, पूरे दुपट्टे का मैंने अच्छे से यूज कर लिया है और पूरा मेरा जो फेस है वो कवर हो चुका है। सो सेकंड ट्रिक थी ये, इस तरीके से भी आप लोग अपने फेस को कवर कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं थर्ड ट्रिक की। सो अब मैं तीसरे ट्रिक की बात कर रही हूँ, तो तीसरे ट्रिक के लिए हमें दुपट्टा, ये देखिए बहुत ज्यादा लंबा दुपट्टा है, तो मैंने इसको डबल कर लिया है देखिए, तो जहाँ पे इसका बॉर्डर है यानी कि ये साइड का पकड़ के और इस साइड का पकड़ के, इन दोनों हिस्सों को पकड़ के अच्छे से, ये देखिए कुछ इस तरीके का बन गया। और हमने क्या करना है, जो ये कॉर्नर है इसका, इसको हमने यूं करके यहाँ पे अपने पीछे इसे अच्छे से टक कर लेना है। तो ये हमारा टक हो चुका है और अभी हमने क्या करना है, ये डबल कोट किया था ना मैंने, तो हमने एक पोर्शन इसका पकड़ना है और कुछ इस तरीके से, ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा, इसमें आपका सारा कवर हो जाएगा, बॉडी आपकी कहीं से भी खुली नहीं दिखेगी, यानी कि अगर आप लोग बाहर भी जाते हैं ना धूप में तो कहीं से भी आपकी बॉडी पे टैनिंग नहीं होगी। तो ये देख सकते हैं आप लोग थर्ड, ये वाला इस तरीके से आप लोग अपने फेस को कवर कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीका है, अगर मैं भी कहीं बाहर जाती हूँ तो इस तरीके से ही अपने फेस को कवर करती हूँ और अच्छा भी लगता है इस तरीके से कवर करना। सो थर्ड है ये। सो गाइज अब मैं फोर्थ ट्रिक की बात करती हूँ, तो फोर्थ ट्रिक के लिए भी हमें इसे डबल ही कोट करना है। ये देख सकते हैं डबल कोट मैंने इसे कर लिया है और इधर से मैं इसको पकड़ूंगी साइड से और इसे मेरे को सबसे पहले अपने पीछे यहाँ बालों पे मैं इसे ऐसे करके कवर कर लूंगी और ये हम अपने कानों के पीछे पीछे, ये देखिए यहाँ पे जाके आप लोगों ने, तो मैंने इसे टक कर लिया है और अभी हमारा जो ये बचा हुआ पोर्शन है इसका, इसको हमने कुछ इस तरीके से इसका एक एक पार्ट लेना है। फर्स्ट पार्ट ये देखिए कुछ इस तरीके से हम लेके इसको यूं करेंगे, ये देखिए इसको हमने अपने कानों के नीचे इसे लेते हुए आना है। ये जो पोर्शन है आप लोग देख सकते हैं, इसको हमने यूं टक करके और यहाँ पे हमने इसे टक कर लेना है कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने कहा टक हो चुका है। और एक पोर्शन इसका अभी और बचा हुआ है, इसे भी हम लेंगे, इसे हम यहाँ से थोड़ा टेढ़ा करके लेंगे, पीछे से लेते हुए आएंगे और जो इसका पोर्शन बचा हुआ है इसको हम यूं करके और इसको फिर अच्छे से टक कर लेंगे। सो गाइस देखिए इसमें भी मैंने पूरे दुपट्टे का यूज कर लिया है, कहीं से भी आप लोगों को नहीं दिखेगा कि दुपट्टा मेरा छूटा हुआ है, पूरा दुपट्टा मैंने इसमें यूज कर लिया है और बहुत ज्यादा अच्छा ट्रिक है गाइस ये। सो गाइस इस तरीके से आप लोग अपने फेस को कवर कर सकते हैं। काफी सारे लोग फेस कवर करना ही बताते हैं कि फेस को ही कवर करना है, बट मेरा मानना ये है कि अगर आप लोग अपने हैंड को भी कवर करते हैं तो आप लोगों के लिए ही बहुत अच्छा होगा, आप लोगों की स्किन पे टैनिंग नहीं होगी, क्योंकि समर के सीजन में हर कोई बाहर निकलता है, वो बात अलग है कि अभी लॉकडाउन है, लेकिन अगर लॉकडाउन में भी आप लोग इस तरीके से, अगर इमरजेंसी आपको कहीं जाना पड़ गया और आप लोग इस तरीके से अगर वियर करती हैं, मतलब दुपट्टे को इस तरीके से अपने फेस पे कवर, दुपट्टे से अपने फेस को इस तरीके से कवर करती हैं, साथ ही साथ ग्लव्स पहनती हैं, तो आप खुद को भी सेफ रखती हैं, साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी गाइड कर सकते हैं कि वो लोग भी इस तरीके से अपने आप को रखें, इससे आप लोगों को कोई भी वायरस छू नहीं सकता है, आप लोगों को कुछ भी नहीं हो सकता है। और अगर आप लोग समर के सीजन में इस तरीके से भी कहीं बाहर जाते हैं, आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, बिल्कुल भी टैनिंग नहीं होती है। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।